ৰিয়ান পৰাগে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভৰ পিছতে এটা নাম খুব চৰ্চিত হৈছে, সেয়া হ'ল ঋতু ধ্ৰুৱ। আৰু ঋতু ধ্ৰুৱে যদিও তেওঁৰ দিল্লীত জন্ম, তাৰপিছত অসমৰ পৰা ক্ৰিকেটিং কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু বাংলাদেশ টুৰলৈ গৈ ডেবিউ কৰিছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত ঋতু ধ্ৰুৱ আছে, আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিম ৰিয়ান পৰাগ সম্পৰ্কে বা তেখেতৰ ক্ৰিকেটিং কেৰিয়াৰ কেনেকুৱা আছিলে, দিল্লীৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে অসমলৈ, অসমত থাকি কেনেকৈ খেলি ডেবিউ কৰিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল, গোটেই কথাবিলাক পাতিম। এয়া হ'ল ঋতু ধ্ৰুৱ। নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। হয়, আকৌ এবাৰ অসমীয়াটো কওকচোন। মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। হয় হয়। আৰু আসামিজ কিয় কিয় আপোনাক মালুম হয়? समझ में पूरी आती है, असमीस बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, कोई अगर सामने से बात करता है तो मैं कर लेती हूँ, बट समझ में लेकिन पूरी आती है असमीस, क्योंकि मेरे को 15 साल हो गए असम में रहते हुए, तो समझ में पूरी आती है। तो अहमद थकी केने का लगी से बहुत अच्छा लगता है, आप बोलने को जाओ तो ये मेरा घर ही है, सेकंड होम है मेरा, क्योंकि मेरा दिल्ली में तो इतना जाना होता नहीं, साल में एक बार जाना होता है, क्योंकि मेरा जॉब भी असम में है, तो मेरा पूरा साल आप लगा लो कि 11 महीने असम में ही जाते हैं मेरे, लास्ट 15 साल से मैं असम में ही हूँ। आपका दिल्ली में जन्म है लेकिन क्रिकेटिंग करियर असम से, थोड़ा बोल दीजिए। क्रिकेट मैं दिल्ली में, मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है, बट जो मैंने क्रिकेट है वो मैंने पूरा 2008 से असम से ही खेला है, 2008 से 14 तक मैंने असम से खेला, उसके बाद इंडियन रेलवे से खेला क्रिकेट आगे। तो अभी क्रिकेटिंग करियर के लिए आपको जॉब मिला है NFL में, और आप साथ साथ में टीम इंडिया के लिए बांग्लादेश में जाके आप डेब्यू किया, वो एक्सपीरियंस थोड़ा बोल दीजिए। पहले आप NFL के बारे में बोलिए। NFL में मैंने ज्वाइन किया 2014 में, तब से मैं काम कर रही हूँ, और वो भी मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, असम से अच्छा खेला, उसके बिहाफ पे ही मेरे को जॉब मिला, और मैं अभी सर्विस दे रही हूँ रेलवे में कंटिन्यूसली। अभी दूसरा सवाल था मेरा, इंटरनेशनल जो आपका डेब्यू है बांग्लादेश का अगेंस्ट में, कैसा स्कोर रहा, डेब्यू कैसे किया, डेब्यू करने में आपको कैसा लगा, थोड़ा बोल दीजिए। डेब्यू मेरा एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ, फर्स्ट इंटरनेशनल सीरीज था और फर्स्ट मैच ही मेरे को खेलने को मिला, उस सीरीज में 3 T20 था, 3 ODI था, और मेरे को 6 के 6 मैच खेलने को मिला, उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, मैंने एज अ बॉलिंग के हिसाब से खेला, और मेरा विकेट भी था, और मेरा फील्डिंग एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा हुआ था उस टूर्नामेंट में, पूरे में बैटिंग का उतना चांस नहीं मिला, बट ओवरऑल बोलो कि बॉलिंग मेरा बहुत अच्छा हुआ था। आपका बॉलिंग बोला, आपने फील्डिंग बोला, बैटिंग, आपने एक्चुअली ऑलराउंड परफॉर्मेंस है आपका, लेकिन आप कहाँ में फोकस किया था? मैंने एक्चुअली मेरा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है, बट मेरा मेन फोकस बॉलिंग में था, मैं ओपनर बॉलर हूँ, और मेरा फोकस था, बट ये था कि मेरे को टीम के लिए अगर जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो मेरे को उतना ही एफर्ट बैटिंग में भी करना है, ये नहीं था कि बॉलिंग है मेरे पास लेकिन मेरे को बैटिंग में भी कुछ ना कुछ टीम के लिए देना है, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि ऑलराउंडर की ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी, तो मेरा फोकस दोनों में था, बट बॉलिंग में कहीं थोड़ा सा ज़्यादा था। हाँ, अभी आप NFL का क्रिकेट कोच हैं? यस, मैं रेलवेज की कोच हूँ, और लास्ट मैंने 4 साल मणिपुर टीम के साथ में भी काम किया है एज ए हेड कोच, और मैं Level 2 कोच हूँ, NCL Level 2 कोच। आपको तो मालूम है कल जिम्बाब्वे टीम दिया है, BCCI ने अनाउंस किया है, उसमें हम लोग का आसाम से रियान पराग को जगह मिला है, और हम लोग भी आसाम से बहुत खुशी है। और रियान पराग को आप मिला था? यस, मैंने एक्चुअली आप बोलने जाओ तो छोटे से मैंने यही ग्राउंड में, जब हमारा, क्योंकि हमारा सारा क्रिकेट जितने भी कैंप्स होते थे वो नेहरू स्टेडियम में ही होते थे, और मैं भी नेहरू स्टेडियम में हूँ, मैंने रियान पराग को बहुत छोटे से देखा है जब वो क्रिकेट खेलता था, उसका एज शायद 10 या 11 एज था, तब से मैंने उसको देखा, हम यहीं पे कहते थे, और इवन हम डिस्कस करते थे कि ये प्लेयर ऐसा है कि बहुत आगे जाके बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, और वो चीज़ उसने प्रूफ की है, वो प्रूफ की क्यों की है, क्योंकि उसने उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है, उसने बहुत चीज़ें छोड़ी भी है और बहुत चीज़ें फेस भी की है। देखिए, जब रियान पराग का एज 1-2 साल था, और उसका पिताजी पराग दास हम लोग का दोस्त है, मिथु बोरा भी इंटरनेशनल स्विमर है, तो रियान पराग का जब से वो प्लास्टिक बैट हाथ में उठाया था उससे उसी टाइम से हम लोग फॉलो कर रहा हूँ, तो वो उसका मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, वो भी फील्डिंग में अच्छा है, बॉलिंग भी करता है, स्पिन बॉलिंग, बैटिंग भी वो बहुत हार्ड हिटिंग करता है, तो एज ए बैट्समैन आपको कैसा लगता है कि किसका जगह वो लेगा फ्यूचर में? आप बोलोगे तो मिडल ऑर्डर का बहुत बहुत अच्छा बैट्समैन है, आप बोलो तो कल को, आप बोलोगे तो विराट कोहली आप दूसरा बोल सकते हो, असम का विराट कोहली, और वो ऑब्वियसली उनको टक्कर दे सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि उनका जो टेक्निक है वो बहुत 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 अच्छा है, और वो आगे जाके बहुत अच्छा मिडल ऑर्डर का, मेरे को ऐसा लगता है कि मिडल ऑर्डर का बैट्समैन बहुत अच्छा बनेगा, और इंडिया टीम में मिडल ऑर्डर की जगह अभी थोड़ी सी खाली है, तो मेरे अकॉर्डिंग रियान पराग एक अच्छा ऑप्शन है उसको फील करने के लिए। देखिए, दिल्ली से तो पहले से बिशन सिंह बेदी से, वो अभी गौतम गंभीर व ईशांत शर्मा, अभी विराट कोहली, बहुत सारा प्लेयर डेब्यू किया इंटरनेशनल टीम में, लेकिन असम से अभी तक सीनियर टीम में कोई नहीं था, मेंस का बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन रियान पराग फर्स्ट प्लेयर है, तो आप ये खबर सुनने का टाइम में आपको कैसा लगा था?
ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए भी, हमारे असम सबके लिए भी, क्योंकि ऐसा नहीं है पहले बहुत प्लेयर्स थे, बट रियान पराग को वो चांस मिला है, वो बहुत बहुत खुशी की बात है, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। इवन मैं भी बहुत खुश हूँ और असम में सब लोग बहुत खुश है, और हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू उस टीम में रहे, लंबा क्रिकेट खेले।